नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी घर। हमारा लड़का निकम्मा है, श्री कपूर अपनी पत्नी से कह रहे थे, लेकिन इसका भी ध्यान रख रहे थे कि लड़का सुन न ले। वे बोले, ना जाने वह बड़ा होकर क्या करेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। सूरज के पिताजी व्यापारिक यात्रा से लौटे थे और अपने बेटे की स्कूल रिपोर्ट पहली बार देख रहे थे। रिपोर्ट में लिखा था, क्रिकेट में अच्छा, पढ़ाई में कमजोर, कक्षा में मन नहीं लगाता। सूरज की माँ स्वाम स्वभाव की संजीदा महिला थी, वो कुछ नहीं बोली। सूरज बिना कुछ बोले खिड़की पर खड़ा था। वह बाहर रिमझिम बौछारों को देख रहा था जो उद्यान में फुसफुसाती सी लहरा रही थी। उसकी काली आंखों में गुस्सा भरा था, घनी भवें तनी थी और वह बगावत की मूड में था। उसके पिताजी बोले जा रहे थे, अगर वह अच्छे नतीजे नहीं ला रहा तो उसकी पढ़ाई पर खर्च करने का क्या फायदा। वह घर आता है, तीन लड़कों के बराबर खाता है, पैसे लेता है और फिर दोस्तों के साथ बाहर आवारागर्दी करने चला जाता है। श्री कपूर कुछ देर चुप रहे, यह सोचकर कि सूरज कुछ जवाब देगा और फिर उन्हें डांटने डपटने का कारण मिल जाएगा। लेकिन सूरज को पता था कि उसकी खामोशी से पिताजी को और चिढ़ छूटेगी। वह अक्सर अपने पिताजी को चिढ़ते देख मजे लेता था। श्री कपूर आखिरकार बोले, अब मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा बेटा, अगर तुम नहीं सुधरते तो घर से चले जाओ। इस तरह सूरज से सीधे यह बात कहकर वो गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। सूरज कुछ देर खिड़की पर खड़ा रहा, फिर मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर बारिश में निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी माँ को उसे पुकारने का मन हुआ, लेकिन वह चुप ही रही और मुड़कर रसोई में चली गई। रिमझिम बारिश में खड़े हुए सूरज ने मुड़कर घर की ओर देखा। मैं उनके बिना रह सकता हूँ, अगर वो चाहते हैं कि मैं घर लौटूं, तो वो इसके लिए मुझे आकर मनाए। उसने हाथ अपनी जेबों में डाले और सड़क पर चल पड़ा। उसे आजादी का एहसास हो रहा था। उसकी अंगुलियों ने एक परिचित करारी चीज को छुआ, यह 5 रुपए का नोट था। उसके पास बस इतने ही पैसे थे। उसने नोट को कसकर पकड़ लिया। वह इस पैसे से सिनेमा देखना चाहता था, लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा जरूरी काम करने थे। उसे पक्का पता नहीं था कि ये जरूरी काम क्या होंगे, क्योंकि उस वक्त वह गुस्से में था और उसका दिमाग व्यवहारिक रूप से नहीं सोच रहा था। वह बारिश से बेखबर मैदान में पहुंच गया। जब वह मैदान में पहुंचा तो सूरज निकल आया। हालांकि अभी तक रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन लगता था कि सूरज ने फिर से उसका जोश बढ़ा दिया। उसे अपने दोस्त रजनी की याद आई। उसने कोई काम न मिलने तक रजनी के घर रहने का फैसला किया। वह जानता था कि अगर कोई काम नहीं मिला तो वह ज्यादा समय तक घर से दूर नहीं रह सकेगा। उसने सोचा कि एक 13 साल के लड़के को क्या काम मिल सकता है। उसने घरों में अखबार डालने या बाजार में किसी छोटी सी चाय की दुकान में चाय लगाने की कल्पना नहीं की। इससे तो ग्राहक बनना कहीं बेहतर था। बारिश पूरी तरह थम गई। सूरज तेजी से मैदान पार कर एक एकांत सड़क पर चलता हुआ रजनी के घर पहुंच गया। गेट पर पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। घर बंद था, सामने के दरवाजे पर ताला लगा था। सूरज ने घर के 3 चक्कर लगाए, लेकिन उसे कोई दरवाजा या खिड़की खुली नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद परिवार सुबह कहीं गया होगा पिकनिक पर या जन्मदिन मनाने। दोपहर के खाने के लिए तो वापस आ ही जाएंगे। उसका उत्साह फिर बढ़ने लगा। वह बाजार की तरफ सड़क पर लापरवाही से घूमने लगा। सूरज को बाजार बहुत अच्छा लगा। वहां अनेक तरह की ढेर सारी चीजें, बाजार की खुशबू और रंग के साथ साथ लाउड स्पीकर पर बजता संगीत उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे चलता हुआ वह एक चाय पकौड़ा की दुकान पर पहुंचा। दुकान के भीतर से आ रही भूख बढ़ा देने वाली खुशबू से वह ललचा गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह खाना रजनी के घर खाएगा और पैसे को किसी और चीज पर खर्च करेगा।
वह खिलौनों की दुकान पर ग्लास केस में रखे बड़े पीले रंग के योयो को पाने का लालच रोक नहीं पाया। वह विभिन्न रंगों के कांच के टुकड़ों से बना था और सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। सूरज ने पूछा, कितने का है? दुकानदार ने कहा, 2 रुपए का, लेकिन तुम्हारे जैसे नियमित ग्राहक को मैं 1 रुपए में ही दे दूंगा। सूरज ने सोचा, यह जरूर पुराना होगा। फिर भी उसने 1 रुपए में वह योयो खरीद लिया। उसने उसी वक्त उसे चलाना शुरू कर दिया। वह बाजार में योयो को अपनी तर्जनी उंगली से ऊपर नीचे झुलाता चला जा रहा था। जेब में रखे बाकी 4 नोटों पर अंगुलियां फेरते हुए उसे प्यास लगी। नल के पानी फेनिल पे से नहीं बल्कि वनीला मिल्क शेक से ही उसकी प्यास बुझनी थी। उसने एक टेबल पर स्ट्रॉ से मिल्क शेक पिया। उसकी नजर दीवार घड़ी पर गई, करीब 1 बज रहा था। अब तक रजनी और उसका परिवार लौट आया होगा। सूरज कुर्सी से सरका और उसने ड्रिंक का पैसा दिया। अब उसके पास 2 रुपए बचे थे। वह मटर गश्ती करता हुआ बाजार की सड़क पर चला। उसके साथ चलने वाले योयो की आवाज उसे बड़ी तसल्ली दे रही थी। रजनी का घर अब भी बंद था, इसकी सूरज को उम्मीद नहीं थी। उसने शीघ्र ही घर के आसपास चक्कर लगाया, लेकिन उसमें पहले की तरह ताला लगा था। दूसरा चक्कर लगाते समय उसे एक माली मिला जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा रही होगी। उसने पूछा, सब लोग कहाँ गए? माली ने सूरज को गौर से देखते हुए जवाब दिया, 1 हफ्ते के लिए दिल्ली गए हैं। क्यों, क्या कोई खास बात है? सूरज ने उस बूढ़े माली को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने माली को बिना झिझक बता दिया, मैं घर से भागा हूँ, रजनी के यहाँ रहने आया था, अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बूढ़े माली ने कुछ देर सोच विचार किया। उसके चेहरे पर अखरोट जैसी झुर्रियां थी। उसके हाथ और पांव कठोर और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और काफी कुछ जवानों जैसी थी। वह अंशकालिक माली था जो सड़क पर बने अनेक घरों में काम करता था। शहर के इस हिस्से में बड़े बगीचे नहीं थे। उसने कहा, घर वापस क्यों नहीं चले जाते? सूरज ने कहा, अभी जाना बहुत जल्दबाजी होगा, अभी तो मैं वास्तव में भागा ही नहीं हूँ। उन्हें पता तो चले कि मैं भाग गया हूँ, तब उन्हें दुख होगा। माली मुस्कुरा कर बोला, तुमने बेहतर योजना बनाई थी, क्या तुमने कुछ पैसे बचाए हैं? मेरे पास सुबह 5 रुपए थे, अब 2 रुपए बचे हैं। उसने योयो की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम इसे खरीदोगे? माली बोला, मुझे इसे चलाना नहीं आता। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम घर वापस चले जाओ, रजनी के लौटने का इंतजार करो और फिर घर से भागो। सूरज इस दिलचस्प सलाह पर गौर कर इस नतीजे पर पहुंचा कि बात में दम है, लेकिन इसने तुरंत फैसला नहीं किया। माता पिता को कुछ दुविधा में रखना अच्छा होगा। वह लौटकर मैदान के घास पर बैठ गया। बैठते ही उसे भूख लगने लगी। उसे इतनी तेज भूख पहले कभी नहीं लगी थी। तंदूरी चिकन और रस भरी चमकती मिठाइयों की तस्वीरें उसके सामने नाचने लगी। उसने सोचा कि क्या खिलौने बेचने वाला यह योयो वापस ले लेगा? शायद आधी कीमत में ले ले। लेकिन उसे जितनी खाने की जरूरत थी उतना ही योयो से लगाव भी। घर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसे भरोसा था कि माँ तो अब तक परेशान हो ही गई होगी। पिताजी, उसे उम्मीद थी कि चिंता में बरामदे में चहल कदमी करते हुए बार बार घड़ी देख रहे होंगे। उनके लिए यह एक सबक होगा, वह इस तरह जाएगा मानो कि उन पर एहसान कर रहा हो। उसे पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने उसका दोपहर का भोजन रख दिया होगा। सूरज बैठक के कमरे में गया और योयो को सोफे पर पटक दिया। श्री कपूर अपने पसंदीदा सोफे पर बैठे दफ्तर जाने से पहले अखबार पढ़ रहे थे। सूरज के कमरे में आने पर वो कुछ देर के लिए खड़े हुए और बोले, तुम देर से आए हो। इतना कहकर वो फिर अखबार पढ़ने लगे। सूरज रसोई में गया जहां माँ भी थी और खाना भी। वह उससे कुछ नहीं बोली।
लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पूछा, भूख लगी है? सूरज ने कहा, नहीं, और थाली लेकर खाने पर पिल पड़ा। जब वह बैठक के कमरे में लौटा तो पिताजी को योयो से खेलने की कोशिश करते देख आश्चर्य में पड़ गया। श्री कपूर ने पूछा, तुम इस घामड़ चीज को कैसे चलाते हो? सूरज ने जवाब नहीं दिया। वह पिताजी के अनाड़ीपन को देखकर खड़े खड़े मजा लेता रहा। आखिर वह खिलखिलाकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने कहा, बहुत आसान है, मैं करके दिखाता हूँ। उसने पिताजी से योयो ले लिया और चलाकर दिखाया। जब श्रीमती कपूर कमरे में आई तो बाजार के इस सस्ते खिलौने से खेलने में इतनी ज्यादा तल्लीन अपने पति और बेटे को देखकर उन्हें जरा भी ताजुब नहीं हुआ। वो इस तरह की बेतुकी बातों की आदी हो चुकी थी। पुरुष सचमुच कभी बड़े नहीं होते। श्री कपूर भूल ही गए कि उन्हें दफ्तर जाना है और सूरज भूल गया घर से भागने की बात। वे दोनों सुबह की कटुता भूल गए। यह बहुत पुरानी बात है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी घर।